दोस्तों आज मैं बॉलीवुड के कपल के बारे में बताऊंगी जो पहले कैसे दिखते थे और अब कैसे दिखते हैं और अभी उनकी एज क्या हो रही है, ये सब मैं बताऊंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो बनाते रहती हूँ। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊँ इसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप सभी को मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसकी शुरुआत शाहरुख खान से करते हैं। शाहरुख खान की शादी गौरी खान से हुई और दोनों पहले कुछ ऐसे दिखते थे, अभी कुछ ऐसे दिखते हैं। शाहरुख खान 58 वर्ष के हो चुके हैं तो वही उनकी वाइफ गौरी खान 53 वर्ष की हो चुकी है। तो दोस्तों अब बारी आती है अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन की शादी जया बच्चन से हुई और दोनों पहले कुछ ऐसे दिखते थे और अभी कुछ ऐसे दिखते हैं। अमिताभ बच्चन 81 वर्ष के हो चुके हैं तो वहीं उनकी वाइफ जया बच्चन 75 वर्ष की हो चुकी हैं। तो दोस्तों अब बारी आती है आमिर खान की। आमिर खान की शादी किरण राव से हुई और दोनों पहले कुछ ऐसे दिखते थे और अभी कुछ ऐसे दिखते हैं। और आमिर खान 58 वर्ष के हो चुके हैं तो वहीं उनकी वाइफ किरण राव 50 वर्ष की हो चुकी है, पर दोनों में भी डाइवोर्स हो चुका है। तो दोस्तों अब बात करते हैं नसरुद्दीन शाह की। नसरुद्दीन शाह की शादी रत्ना पाठक शाह से हुई और दोनों पहले कुछ ऐसे दिखते थे और अब कुछ ऐसे दिखते हैं। नसरुद्दीन शाह की एज 73 वर्ष हो चुकी है तो वहीं उनकी वाइफ रत्ना पाठक शाह की उम्र 66 वर्ष हो चुकी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कमल हसन की। कमल हसन की शादी सारिका से हुई और दोनों पहले कुछ ऐसे दिखते थे और अब कुछ ऐसे दिखते हैं। कमल हसन की एज 69 वर्ष हो रही है तो वहीं उनकी वाइफ सारिका की एज 63 वर्ष हो रही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं परेश रावल की। परेश रावल की शादी स्वरूप संपत से हुई और दोनों पहले कुछ ऐसे दिखते थे और अब कुछ ऐसे दिखते हैं। तो दोस्तों परेश रावल अभी 68 वर्ष के हो चुके हैं तो वहीं उनकी वाइफ 65 वर्ष की हो चुकी हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं अनिल कपूर की। अनिल कपूर की शादी सुनीता कपूर से हुई और दोनों पहले कुछ ऐसे दिखते थे और अभी कुछ ऐसे दिखते हैं। अनिल कपूर की एज 67 वर्ष हो चुकी है तो वहीं उनकी वाइफ सुनीता कपूर की 58 वर्ष हो रही है। तो बात करते हैं धर्मेंद्र की। धर्मेंद्र की शादी हेमा मालिनी से हुई और दोनों पहले कुछ ऐसे दिखते थे और अभी कुछ ऐसे दिखते हैं। धर्मेंद्र की एज 78 वर्ष हो रही है तो वहीं हेमा मालिनी 75 वर्ष की हो रही हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं अनुपम खेर की। अनुपम खेर की शादी किरण खेर से हुई और दोनों पहले कुछ ऐसे दिखते थे और अभी कुछ ऐसे दिखते हैं। अनुपम खेर 68 वर्ष के हो रहे हैं तो वहीं उनकी वाइफ किरण खेर 71 वर्ष की हो रही हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं मिथुन चक्रवर्ती की। मिथुन चक्रवर्ती की शादी युगतावली से हुई और दोनों पहले कुछ ऐसे दिखते थे और अभी कुछ ऐसे दिखते हैं। मिथुन चक्रवर्ती अभी 73 वर्ष के हो रहे हैं तो वहीं उनकी वाइफ युगतावली 71 वर्ष की हो चुकी हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं रजनीकांत की। रजनीकांत की शादी लता से हुई और दोनों पहले कुछ ऐसे दिखते थे और अभी कुछ ऐसे दिखते हैं। रजनीकांत की एज 73 वर्ष हो रही है तो वहीं उनकी वाइफ 65 वर्ष की हो चुकी हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं जैकी श्रॉफ की। जैकी श्रॉफ की शादी आयशा श्रॉफ से हुई और दोनों पहले कुछ ऐसे दिखते थे। जैकी श्रॉफ 66 वर्ष के हो चुके हैं तो वहीं उनकी वाइफ आयशा श्रॉफ 63 वर्ष की हो रही हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं ऋतिक रोशन की। ऋतिक रोशन की शादी सुजैन खान से हुई और दोनों पहले कुछ ऐसे दिखते थे और अभी कुछ ऐसे दिखते हैं। ऋतिक रोशन अभी 49 वर्ष के हो रहे हैं तो वहीं उनकी वाइफ सुजैन खान 48 वर्ष की हो चुकी हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं जितेंद्र की। जितेंद्र की शादी शोभा कपूर से हुई और दोनों पहले कुछ ऐसे दिखते थे और अब कुछ ऐसे दिखते हैं। जितेंद्र की उम्र 81 वर्ष हो रही है तो वहीं उनकी वाइफ 77 वर्ष की हो चुकी हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं जॉनी लीवर की। जॉनी लीवर की शादी सुजाता लीवर से हुई और दोनों पहले कुछ ऐसे दिखते थे और अभी कुछ ऐसे दिखते हैं। जॉनी लीवर की उम्र 66 वर्ष हो रही है
तो वहीं उनकी पाइप की उम्र हमें ज्ञात नहीं है। तो दोस्तों अब बात करते हैं शत्रुघ्न सिन्हा की। शत्रुघ्न सिन्हा की शादी पूनम सिन्हा से हुई और दोनों पहले कुछ ऐसे दिखते थे और अभी कुछ ऐसे दिखते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा की उम्र 77 वर्ष हो रही है तो वहीं उनकी वाइफ पूनम सिन्हा की उम्र 74 वर्ष हो रही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं अक्षय कुमार की। अक्षय कुमार की शादी ट्विंकल खन्ना से हुई और दोनों पहले कुछ ऐसे दिखते थे और अभी कुछ ऐसे दिखते हैं। अक्षय कुमार 56 वर्ष के हो रहे हैं तो वहीं उनकी वाइफ ट्विंकल खन्ना 49 वर्ष की हो चुकी हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं शक्ति कपूर की। शक्ति कपूर की शादी शिवांगी कोल्हेपुरी से हुई और दोनों पहले कुछ ऐसे दिखते थे और अभी कुछ ऐसे दिखते हैं। शक्ति कपूर 71 वर्ष के हो रहे हैं तो वहीं उनकी वाइफ शिवांगी कोल्हेपुरी 59 वर्ष की हो चुकी हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं अजय देवगन की। अजय देवगन की शादी काजोल से हुई और दोनों पहले कुछ ऐसे दिखते थे और अभी कुछ ऐसे दिखते हैं। अजय देवगन 54 वर्ष के हो रहे हैं तो वहीं उनकी वाइफ काजोल 49 वर्ष की हो चुकी हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं संजय दत्त की। संजय दत्त की शादी मान्यता दत्त से हुई और दोनों पहले कुछ ऐसे दिखते थे और अभी कुछ ऐसे दिखते हैं। संजय दत्त की उम्र 64 वर्ष हो रही है तो वहीं उनकी वाइफ 45 वर्ष की हो चुकी हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं सैफ अली खान की। सैफ अली खान की शादी करीना कपूर से हुई और दोनों पहले कुछ ऐसे दिखते थे और अभी कुछ ऐसे दिखते हैं। सैफ अली खान 53 वर्ष के हो चुके हैं तो वहीं उनकी वाइफ करीना कपूर 43 वर्ष की हो चुकी हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं सुनील सेट्टी की। सुनील सेट्टी की शादी माना सेट्टी से हुई और दोनों पहले कुछ ऐसे दिखते थे और अभी कुछ ऐसे दिखते हैं। सुनील सेट्टी की उम्र 62 वर्ष हो चुकी है तो वहीं उनकी वाइफ माना सेट्टी 58 वर्ष की हो रही हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं गोविंदा की। गोविंदा की शादी सुनीता आहूजा से हुई और दोनों पहले कुछ ऐसे दिखते थे और अभी कुछ ऐसे दिखते हैं। गोविंदा की उम्र अभी 60 वर्ष हो चुकी है तो वहीं उनकी वाइफ 55 वर्ष की हो रही हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं अरशद वर्षी की। अरशद वर्षी की शादी मारिया गोरेटी से हुई और दोनों पहले कुछ ऐसे दिखते थे और अभी कुछ ऐसे दिखते हैं। अरशद वर्षी अभी 55 वर्ष के हो चुके हैं तो वहीं उनकी वाइफ 51 वर्ष की हो रही हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं अभिषेक बच्चन की। अभिषेक बच्चन की शादी ऐश्वर्या राय से हुई और दोनों पहले कुछ ऐसे दिखते थे और अभी कुछ ऐसे दिखते हैं। अभिषेक बच्चन अभी 47 वर्ष के हो चुके हैं तो वहीं उनकी वाइफ ऐश्वर्या राय भी 50 वर्ष की हो चुकी हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इमरान हाशमी की। इमरान हाशमी की शादी परवीन सहानी से हुई और दोनों पहले कुछ ऐसे दिखते थे और अभी कुछ ऐसे दिखते हैं। इमरान हाशमी अभी 44 वर्ष के हो चुके हैं तो वहीं उनकी वाइफ 42 वर्ष की हो चुकी हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं रितेश देशमुख की। रितेश देशमुख की शादी जेनलिया डिसूजा से हुई और दोनों पहले कुछ ऐसे दिखते थे और अभी कुछ ऐसे दिखते हैं। रितेश देशमुख 45 वर्ष के हो चुके हैं तो वहीं उनकी वाइफ 36 वर्ष की हो रही हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं चंकी पांडे की। चंकी पांडे की शादी भावना पांडे से हुई और दोनों पहले कुछ ऐसे दिखते थे और अभी कुछ ऐसे दिखते हैं। तो दोस्तों चंकी पांडे अभी 61 वर्ष के हो चुके हैं तो वहीं उनकी वाइफ 56 वर्ष की हो चुकी हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं बॉबी देओल की। बॉबी देओल की शादी तानिया देओल से हुई और दोनों पहले कुछ ऐसे दिखते थे और अभी कुछ ऐसे दिखते हैं। बॉबी देओल अभी 54 वर्ष के हो चुके हैं तो वहीं उनकी वाइफ तानिया देओल अभी 48 वर्ष की हो चुकी हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं रणवीर कपूर की। रणवीर कपूर की शादी आलिया भट्ट से हुई और दोनों पहले कुछ ऐसे दिखते थे और अभी कुछ ऐसे दिखते हैं। रणवीर कपूर अभी 41 वर्ष के हो चुके हैं तो वहीं आलिया भट्ट 30 वर्ष की हो चुकी हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं विक्की कौशल की। विक्की कौशल की शादी कैटरीना कैफ से हुई और दोनों पहले कुछ ऐसे दिखते थे और अभी कुछ ऐसे दिखते हैं। विक्की कौशल की एज 35 वर्ष हो रही है तो वहीं कैटरीना कैफ 40 वर्ष की हो चुकी हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं रणवीर सिंह की। रणवीर सिंह की शादी दीपिका पादुकोण से हुई और दोनों पहले कुछ ऐसे दिखते थे और अभी कुछ ऐसे दिखते हैं।
रणवीर कपूर 38 वर्ष के हो चुके हैं, तो वहीं उनकी वाइफ दीपिका पादुकोण 37 वर्ष की हो चुकी हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और जाते जाते एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर कर दें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।